बाद आप हल्का सा उसको बीट कर लेंगे, वो हल्की सी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। आप उसको आइसक्रीम में बिल्कुल आराम से फोल्ड कर लीजिए। जहाँ तक केक का सवाल है, केक्स के लिए आप चला सकते हैं, आजकल एक बहुत अच्छी क्रीम आई हुई है बाज़ार में, मैं आपको नाम नहीं ले सकती हूँ, टेट्रा पैक की है वो, तो इतनी ज़बरदस्त बीट होती है। मैं तो अब अपनी क्लास में जितने डेजर्ट्स और केक्स बना रही हूँ सब उसी से बना रही हूँ, इट्स टू गुड। ठीक है, खत्म हो गया इसमें, बस इसको निकाल के मैं दाल मोटा आप लोगों के सामने बना देती हूँ। आवाज आ रही है क्रिस्पी की, ये देखें, ये जो खट्टी हो गई है उसको आप निकाल दीजिए, इसमें नहीं डाल, आप खा लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद कर रही हूँ। सॉरी, कॉलर हैं जी लाहौर से आयशा, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा आयशा, मैं कुलिसाने चौहर से बात कर रही हूँ। आयशा, अच्छा आयशा बोलिए, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आयशा, मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र। आपके सवाल का जवाब देना है मुझे? जरूर दीजिए। बेसन, ठीक है, और कोई फरमाइश? नहीं, सारी फरमाइश आप पूरी कर देती हैं। पक्की बात, कोई फरमाइश नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा कॉल करने का, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चले, अब मैं, मेरे पास चार टेबलस्पून रखे हुए हैं, चार मगज मेलन सीड्स, उनको हम फ्राई करेंगे। चूल्हा बंद कर लिया है मैंने, बिकॉज ये फौरन डालते ही ऐसा ना हो के, देखें कैसे उड़ते हैं। कॉलर हैं जी हमारे साथ समीना हमाद फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम अब्बा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह समीना, मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा ठीक ठाक, घर में सब कैसे हैं अब्बा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं हैं बेटा, अब सब खैरियत है, आपके घर पे सब खैरियत? जी बिल्कुल अब्बा। आज के सवाल का जवाब अब बेसन है, वो तो सबको पता है, और इतने मजे की आप निमको बना रही हैं माशाल्लाह से, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, बस लेमन हो ये निमको हो मैं खा जाऊं। आ जाए ना? हाँ इंशाल्लाह, जब भी आई जरूर आऊंगी, आपसे तो मुलाकात करके जाऊंगी जरूर, और मैं आपको तो अपने शो पे बुलाऊंगी भाई। जी जी बिल्कुल। अब आपको कैसे पता कि मुझे नमक पारे बहुत पसंद है? मुझे तो नहीं पता। और यकीन करें अब आज आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दी है। नहीं ये पता है, बहुत अरसे से फरमाइश ओवर ड्यू थी सबकी है, सबकी है, हाँ उन्होंने भी फरमाइश की हुई थी मुझे, हेरा फारूक ने लाहौर से, अच्छा, कब अच्छा। से उस बच्ची ने मुझे कहा था कि आपा प्लीज सिखा दीजिएगा, लेकिन बस ये बीट आपका बहुत जबरदस्त गया है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा है, आपकी पूरी टीम को, कैशान भाई को, आपको मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम है। चलें जी, ठीक बहुत है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लेकिन सेव ज्यादा हो गई थी, मैंने वो जो बचाई थी वो भी डाल दी। अच्छा यहाँ पे भी सब थोड़ा थोड़ा चख लेंगे। हल्की आंच पे, देखें बिल्कुल हल्की पे करिएगा, वरना मसूर कच्चा रहेगा, बिल्कुल हल्की आंच पे। और इसमें अब मैं मिलाने जाऊंगी टाटरी, नमक, चाट मसाला। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया, नहीं डाल रही, आप आने के बाद ब्रेक से आपके सामने मिक्स करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे, तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग विल बी राइट बैक। दाल मोट अज्जा, काली मसूर की दाल 125 ग्राम, चाट मसाला और पिसी लाल मिर्च एक एक चाय का चम्मच, नमक और लेमन सॉल्ट आधा आधा चाय का चम्मच, चार मगज, चार खाने के चमचे। तरकीब, 125 ग्राम काली मसूर की दाल को 6 घंटे के लिए भिगो दें, फिर इसका पानी निकाल दें। अब इसे पेपर टॉवल पर रखकर धूप में 3 घंटे तक सुखा लें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें दाल को डीप फ्राई करें यहाँ तक कि वो लाइट गोल्डन हो जाए, फिर इसे निकाल कर पेपर टॉवल पर रख दें। ठंडा होने के बाद इसमें चार खाने के चमचे फ्राई किए हुए चार मगज, आधा चाय का चमचा नमक,
एक चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच लेमन सॉल्ट, एक चाय का चम्मच चाट मसाला और चूरा किए हुए सेव डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और सर्व करें। मसाला मॉर्निंग्स में सिखाई जाने वाली रेसिपीज आप मोबाइल फोन पर भी हासिल कर सकते हैं। MML 688 कर 486 पर SMS करें और हासिल करें आज की रेसिपी दाल मोठ अपने मोबाइल पर। वेलकम जी, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और मसाला मॉर्निंग्स में हम मिला रहे हैं दाल मोठ में मसाले। ठीक है, दाल मोठ के लिए आपको सब में पहले चाहिए चाट मसाला 1 टीस्पून बिल्कुल भर के, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टाटरी, लेमन सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ये नमक है, लेमन सॉल्ट ये रखा मैंने पास 1/2 टीस्पून। ठीक है, नमक जाएगा 1/2 टीस्पून, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सेव थोड़ी कम करनी है, थोड़ी कम डाल दें, लेकिन अच्छी लगती है ज़्यादा। लेमन सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून हीप्ड या 1 टीस्पून लेवल्ड, बस दैट्स इट। क्या क्या डाला? लेमन सॉल्ट, टाटरी 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून हीप्ड या 1 टीस्पून लेवल्ड, चाट मसाला 1 टीस्पून हीट। ये सब डाला आपने और इसको आप निकाल लीजिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, बारीक सेव भी हो गई, ये भी हो गया। ठीक है, अब आप आ जाइए नमक पारे पे। दाल यहाँ पे रखी हुई है और बॉटल्स भरिए और कॉलर भी हैं हमारे साथ कराची से आलिया, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हूँ, आप बताइए। बस बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी उस दिन, जिस दिन मैंने अभी 2 दिन पहले कॉल की थी, हरे मसाला बिरयानी वाले दिन, वो मैंने कल ट्राई की, बहुत ही मजे की बनी। अच्छा, ट्राई कर ली आपने? बहुत मजे की बनी। बहुत शुक्रिया बेटा पसंद करने का, जज़ाकअल्लाह। मैं तो आपकी बताई हुई चीजें इतनी ऑफ एंड ऑन ट्राई करती हूँ, ये कोई इंतहा नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरी मेहनत वसूल हो जाती है, बहुत शुक्रिया। आपको खुश रखे और आप हमें इसी तरह गाइड करती रहे। जरूर जी, मैं आप लोगों के साथ हूँ इंशाल्लाह, जब तक मेरी सेहत है, मेरी सेहत के लिए दुआ करें। बिल्कुल, अपन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कि एक तो ये कि उस दिन मैंने इत्तेफाक से आपका मैगजीन जीता है कुरानदाजी में परसों, तो उसमें मेरा, मैंने आपको मेल भी की थी, अगर आपने फेसबुक पे पढ़ा हो कि अगर आप उस पर मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दें तो इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। ठीक है, मैं आपको जरूर करके भेजूंगी। आप फेसबुक पे किस नाम से हो बेटा? आलिया फरहान। आलिया फरहान जी। ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग बेटा, खुश रहिए। अच्छा जी, देखें, शक्कर पारे और नमक पारे का आटा आपको गूंद के रखना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ थोड़ा बेसन बचा लिया, अभी आप लोग को कह नहीं रही हूँ, मैं देखूँगी अगर मेरे पास टाइम हुआ तो एक सरप्राइज़ रेसिपी आपके लिए हम और करेंगे, लेकिन नाम नहीं बता रही, ठीक है, वरना फिर आप लोग वेट करोगे। आज का सवाल बहुत ही मज़े का, इंटरेस्टिंग, सबको पता है जवाब भी। क्या है जी आज का सवाल? सवाल ये है, आपको बताना है जो कुछ निम्को बनता है, मेजॉरिटी चीज़ें निम्को में से हो, गाठे वगैरह, पापड़ी वगैरह, वो किस चीज़ से बनती है? गेहूं का आटे से या बेसन से? ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें और विन करें हमारा लेटेस्ट एडिशन मसाला मैगजीन का। अच्छा जी, नमक पारे के लिए
एक पाव मैदा, दैट्स 2 कप्स, ये 2 कप का ही है। इसमें मैंने शामिल किया था 2 टेबलस्पून घी, और मैंने इसमें शामिल किया था नमक 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल करके, और मैंने इसमें, ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने डाला है अजवाइन। नहीं पसंद है अजवाइन नहीं डालें, ज़ीरा डाल दीजिए, ठीक है, और थोड़ी सी देर कवर करके रखें और बहुत अच्छी तरह से आप इसको बेलेंगे। बहुत अच्छी से मेरा मतलब है पतला बेलेंगे। मोटा बेलेंगे वो क्रिस्प नहीं होंगे। जगह खाली कर रही हूँ बिकॉज मुझे इसको बड़ा बेलना है। ठीक है, यू हैव टू रोल इट एज थिन एज पॉसिबल। और आटा, मैं सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैदा गून के प्लीज छोड़ना लाजिम है। मतलब आप समझ लें कि कम से कम घंटा डेढ़ घंटा। अच्छा, भेल पूरी और सेव पूरी के लिए जो आप छोटी वाली पापड़ी बनाते हैं वो यही रेसिपी है, सेम, ठीक है, सेम रेसिपी से आप क्या करेंगे, इसको बेलेंगे, बेलने के बाद कांटे से प्रिक कर लीजिएगा। इसको हम प्रिक नहीं करते हैं, उसको आप कांटे से प्रिक करेंगे और छोटे जो आपकी छोटे ढक्कन आते हैं, बेशक आपके पास कुकी कटर नहीं है, छोटा कोई भी बॉटल का छोटा सा टॉप ले लीजिए, उससे आप कट करें और फ्राई करें। इसी से बनता है वो भी, भेल पूरी की पूरी, सेव पूरी की, पानी पूरी की अलग है। लेकिन पतला बेलना है। ब्रेक का टाइम हो गया जी, एक छोटी सी ब्रेक लेके मिलते हैं आपसे दोबारा। ब्रेक के बाद देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, वी विल बी राइट बैक। नमक पारे, अज्जा, मैदा 2 कप, घी 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच। तरकीब, 2 कप मैदा और 1 चाय का चम्मच नमक छान लें, इसमें 2 खाने के चम्मच घी और आधा चाय का चम्मच अजवाइन डालकर मिक्स करें, फिर इसे हस्बे जरूरत पानी के साथ दरमियाना गूंद कर ढकें और 30 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद इसे जिस कदर मुमकिन हो बारीक बेल लें। इसके बाद इसे नमक पारे की शक्ल में काट